अभी अभी आप देखना प्रारंभ कर दिया है ट्रू फैक्ट न्यूज को, मैं हूं आपके साथ मुकेश झा। बिहार के शिवहर जिला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बैंक ऑफ बड़ौदा लूटपाट का हुआ उद्भेदन। सात गिरफ्तार, दिनांक 22/6/2023 को शाखा में करीब 26,03,000 रुपया लूट लिया गया था गार्ड के ऊपर फायर करके। कुख्यात अपराधी मुनचुन पासवान समेत सात अपराधी को पुलिस ने लूट की रकम के साथ किया है गिरफ्तार। मुनचुन पासवान पिता गजेंद्र पासवान साकिम थाना श्यामपुर भटा जिला शिवहर, धीरज कुमार पिता अनिल सिंह साकिम भटा थाना श्यामपुर भटा जिला शिवहर, रोशन कुमार पिता उपेंद्र राय साकिम भटा थाना श्यामपुर भटा जिला शिवहर, राजा पटेल पिता संजय पटेल साकिम कटसरी थाना श्यामपुर भटा जिला शिवहर, करण राम पिता जिया लाल राम साकिम कोरिया थाना मधुबन जिला मोतिहारी, ननकू साह पिता महादेव साह साकिम चमनपुर थाना जिला शिवहर, चितरंजन साह पिता भौजी साह साकिम चमनपुर थाना जिला शिवहर। शिवहर पुलिस द्वारा चितरंजन साह को एक पिस्टल, ग्लैमर बाइक एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से पुलिस ने जब्त किया है अग्नेयास्त्र, एक पिस्टल, 3 कट्टा कारतूस, 15 विभिन्न अग्नेयास्त्र के। लूटी गई रकम 1,98,500 रुपया, एक मोबाइल, एक चार्जर, घटना के समय प्रयुक्त किया गया कपड़ा और चप्पल, एक बाइक, एक हेलमेट। शिवहर पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, आइए दिखाते हैं। लगभग 10:20 में खबर मिली कि बैंक ऑफ बड़ौदा पिपराही थाना अंतर्गत है, जिसमें लूट की घटना घटी है। अभिलंब मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संबंधित थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी प्राप्त की गई, घटनास्थल का अवलोकन किया गया। वहां पर बैंक के स्टाफ और उनके ब्रांच मैनेजर के द्वारा बताई गई कि 5 अपराधकर्मी से आए हुए थे और उन्होंने फायर कर आतंकित कर चेस्ट की चाबी, जिसको बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट की चाबी लेकर बोल्ट में घुस गए और पैसे निकाल कर चारों अपराधी बाहर हो गए और एक अपराधी गेट पर थे, वो पांचों 2 बाइक पर सवार होकर के पलायन कर गया। तुरंत हम सभी ने रिट्रीट फॉलोअप किया और SIT की टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित की गई। टीम के द्वारा अविलंब त्वरित रूप से वैज्ञानिक ढंग से, तकनीकी ढंग से एवं CC बैंक में लगे CCTV फुटेज के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान प्रारंभ के क्रम में जो प्राप्त हुआ उससे 48 घंटे में उन 5 अपराधकर्मी को पहचान कर लिया गया। पहचान करने के तत्पश्चात उनके भागने के ठिकाने, आर्म्स रखने के ठिकाने और पैसा, बैंक से लूटी गई रकम कहाँ छिपाने की बात किए हैं, इस पर पूरी टीम काफ़ी तत्परता के साथ लगी रही और अंततः हमारे शिवहर पुलिस की सारी टीम लगकर के इसको सफलता प्राप्त किया है। सभी अपराधकर्मी यहाँ से काम करके NH पकड़ करके मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाले रोड में चले गए थे। वहाँ जहाँ से पहले जो साथी अपराधकर्मी मुनचुन पासवान है शिवहर जिला का, जो पहले भी टॉप 10 की सूची में उसका नाम था और कई जघन्य हत्या, लूट की घटना कारित कर चुके हैं, वो मुजफ्फरपुर में गया घाट निवासी TP सिंह के यहाँ, जिनका नाम तपेंद्र प्रसाद सिंह है, उनका घर ये बुचकारा गांव में है, उन्हीं के यहाँ ये शरण लेते थे बहुत पहले से और उन्हीं के द्वारा, TP सिंह के द्वारा ही षडयंत्र कर ये योजना बनाई गई थी और उन्होंने कहा था कि बैंक लूट करके जो पैसा लाओगे उस राशि को मैं खपत करवा दूंगा। तो ये लोग क्राइम करके वहीं 5 भागे थे और पीछे से जो चमनपुर का ननकू सिंह है वो ग्लैमर बाइक से गया था और सभी अविलंब वहाँ से तपेशा सिंह के यहाँ पैसा रख दिया और पैसा रख करके तपेंद्र सिंह उनको 50,000 रुपये, सबको 10,000 रुपये की राशि दे करके और अपने भतीजा के सहयोग, जिसका नाम राजा है, उसके सहयोग से हरलाखी, जो मधुबनी जिला अंतर्गत वो थाना है, वहाँ पर ले जा करके जो नेपाल और मधुबनी थाना हरलाखी थाना का बॉर्डर है, वहाँ पर जा करके इसको शरण दिलवाए थे। इसी बीच हमारी जितनी भी कई एक टीम छापाबंदी कर रही थी, उसी बीच उसे वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत पता चला कि फलाने जगह पर
वो लोग चार पांच घटना के चार पांच दिन बीतने के बाद पैसा वापस करने के लिए टीपी सिंह के यहाँ आ रहा है। तो वहीं पर सभी टीम तत्परता के साथ छापामारी किया। छापामारी के क्रम में पांचों अपराधकर्मी पकड़े गए और एक बाद में बगल में था वो भी पकड़ा गया, वो भाग रहा था, उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने पर टीपी सिंह के यहाँ जो मुंजन पासवान के द्वारा कन्फेशन किया गया, उसका बयान लिया गया उसी समय, तो वो बताया कि टीपी सिंह के यहाँ पैसा के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसके यहाँ पैसा रखे हैं। अविलंब काफ़ी सक्रिय पुलिस थी, गयाघाट थाना की मदद से टीपी सिंह के यहाँ रेड किया गया। रेड के क्रम में बैंक से लूटी गई जो राशि थी वो 1,98,500 रुपया बरामद हुई है। शेष पैसे वो अन्यत्र रख दिए हैं और इसी बीच उनको जानकारी मिल गई कि पुलिस की छापामारी होने वाली है, उस व्यक्ति का भी नाम हम लोग ने चिन्हित कर लिया है। इसी क्रम में वो वहाँ से भाग निकले और अभी तक वो पकड़ाए नहीं हैं। जैसे ही पकड़ाएंगे राशि की बरामद। सर क्या क्या हुआ? ये मुंजन पासवान के कन्फेशन के आधार पर 4 पिस्टल 15 कारतूस बरामद हुए हैं और जो बाइक प्रयोग किया गया था उसमें से एक बाइक प्रयोग बरामद हुआ है, 2 बाइक अभी नहीं बरामद हुआ है। जो टीपी सिंह के घर पर रखा हुआ था वो बाइक काफ़ी सर्च किए हैं लेकिन नहीं मिला है, वो अविलंब वो भी हम लोग उसको कैच में ले आएंगे। घटना में कितने अपराधी शामिल हैं सर? घटना में 5 अपराधकर्मी बैंक में घुसे थे, 2 लाइनर का काम किए थे जो बाहर से वाच कर रहे थे, और टीपी सिंह और उनका भतीजा राजा जो पैसा रखे हैं, ये सभी शिवहर जिले के ही हैं, श्यामपुर भट्टा थाना के हैं, शिवहर थाना के हैं, और एक अपराधी करण राम जो मधुबन थाना अंतर्गत कोरिया गांव का रहने वाला है। कितना हथियार बरामद है? 4 हथियार बरामद है, 15 कारतूस बरामद है। घटना में प्रयुक्त जो घड़ी पहन करके घटना किया है, जो वीडियो वायरल हुआ और CCTV फुटेज में आया वो भी घड़ी में बरामद हुआ है। 10 मोबाइल बरामद हुआ है, उसमें से कुछ मोबाइल घटनास्थल पर प्रयुक्त किया गया है, और उसका पर्स बरामद हुआ है, जो घटना के समय चप्पल और जूता पहने हुए थे वो भी बरामद हुआ है, और बैंक कर्मी के जो बैग था उस बैग में पैसा लेकर के निकले थे वो बैग भी बरामद हुआ है। घटना के समय जो कपड़ा पहने हुए थे वो कपड़ा भी बरामद हुआ है जो आप लोग के सामने में रखा हुआ है, और जो बाइक था उसमें नंबर प्लेट बदल करके जो किया है वो नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है। सभी गिरफ्तारी कहाँ से की गई है सर? ये सभी गिरफ्तारी मधुबनी जिला के हरलाखी थाना के नेपाल और हरलाखी थाना के बोर्डर पर गिरफ्तारी हुई है, और उनके निशानदेही पर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पिपराही थाना अंतर्गत हुई है। बैंक में जो फायरिंग के बाद जो खोखा मिला था और ये जो बरामद हथियार है, ये लोगों ने कन्फेस किया है कि इसी हथियार से ये फायर किए थे, तो उसका सीजर बना है, इसको बैलिस्टिक जांच करा करके और इस कांड को अविलंब सभी पर आरोप पत्र समर्पित करते हुए स्पीडी ट्रायल करवाएंगे, और इसमें जितने भी हमारे SIT के ये टीम के सदस्य हैं, अनुमंडल पुलिस का खासकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और उनके जो SIT की टीम है उनकी अहम भूमिका है। इनको मैं अपने स्तर से तो रिवार्ड दे ही रहा हूँ, और पूरे शिवहर जिला जितने लोग इसमें प्रयासरत थे सभी को रिवार्ड के लिए पुरस्कृत मतलब किया जा रहा है, और वरीय पदाधिकारी से अनुरोध कर राज्य स्तर पर जो रिवार्ड मिलता है उसके लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। अपराधियों का पूर्व का इतिहास भी है सर? मुंजन पासवान जगत अपराधकर्मी हैं जो कई एक हत्या कर चुके हैं, कई एक लूट की घटना कर चुके हैं, और ये शिवहर जिला में टॉप 10 की सूची में इनको रखे थे, अभी तक फिरार चल रहे थे। इनके घर की कुर्की भी 4 महीना में मेरे द्वारा किया गया है, और अन्य जो अपराधी हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, और अन्य आपराधिक इतिहास जो है उसको खंगाला जा रहा है। मौके पर SDPO अनिल कुमार, DSP जिला मुख्यालय शशि शंकर कुमार, नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सामर्थ कुमार, अभय सिंह व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू फैक्ट न्यूज़।